तो हम हमारे प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि फेंकना चांद सितारों पर कमंदे भी बहुत, फेंकना चांद सितारों पर कमंदे भी बहुत, पहले इंसान को इंसान बनाना सीखो। 31 जुलाई 2023 और बीते 3 महीनों से, मई के महीने से, जो देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है और देश के पंत प्रधान, देश के गृह मंत्री चुनाव में और देश विदेश के दौरों में मस्त है, लेकिन यहाँ पर जो नंगा नाच वहाँ पर हो रहा है और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ जो जुल्म वहाँ पर हुआ है, तो महिला, देश भर की महिलाओं ने इस पर आवाज़ उठाया है। परभनी में जमात इस्लामी हिंद वुमेंस विंग्स की तरफ से आज कलेक्टर के जरिए महामहिम राष्ट्रपति को एक निवेदन दिया गया और फौरी तौर पर दंगाइयों को अरेस्ट किया जाए और जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान भरपाई की मांग की गई। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद परभनी वुमेंस विंग्स के बाजी है, उनसे बात करते हैं। बाजी, क्या निवेदन आपने दिया? आज हम यहाँ जमात इस्लामी हिंद परभनी तमाम ख्वातीन इसलिए जमा हुए हैं, जो मणिपुर में वाक़ा पेश आया है वो नहायत ही शर्मनाक वाक़ा है। हम उसकी मजम्मत, उसके प्रोटेस्ट, उसके गुस्सा दिखाने के लिए, हम अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि मणिपुर में जो हुआ है उन खातियों को सख्त सज़ाएँ दी जाए। वो जो शर्मनाक हरकत की गई है कि सारी इंसानियत इससे शर्मसार हो चुकी है और ऐसा घिनौनी हरकत की गई है कि भारत की तारीख में आज तक की ऐसी हरकत कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं हुई है। हुकूमत कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी महफूज नहीं होगी तो पढ़ेगी कैसे? और जहां पर माँ और बहनों की इज्जत नहीं होती है वो देश कैसे विकास कैसे हो सकता है उस देश का। और ना सिर्फ वहाँ पर शर्मनाक हरकतें की गई बल्कि वीडियो बनाए गए, उसे वायरल किया गया और सोशल मीडिया पर उसे डाला गया है। ये इतनी नीच हरकत की गई है, ये बस हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि उन खातियों को जिन्होंने औरतों की बेइज्जती की है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर कोई मर्द किसी औरत को गलत नज़र से ना देखे। उन्हें चौराहे पर लाकर सज़ा दी जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन मज़लूम औरतों के साथ वो इंसाफ किया जाए। देश अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव और जो एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं को सरेआम निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, लगभग 60,000 से ज़्यादा घरों को अब तक जलाया जा चुका है और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी देश के पंत प्रधान, गृह मंत्री चुनाव में और विदेश दौरों में मस्त है। यहाँ पर देश में गुस्सा है, देश की नारी शक्ति जाग उठी है। SIO परभनी वुमेंस विंग के और एक महिला हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। भाजी, क्या कहना चाहेंगे? पंत प्रधान और मंत्री इसे रोकने में पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्या मांग करें आप? जैसे कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और हमें कोई भी जो है तो वाज़े एक्शन वहाँ पर नज़र नहीं आया, तो हमारा जो है ये है कि हम लोग मजलूमों के साथ है और हम ये चाहते हैं कि जालिमों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें सज़ा दी जाए। और पहले से ही इस किस्म के वाक़ियात होते आ रहे हैं लेकिन हमारे पास जो है कड़ी सख्त सज़ाएं नहीं दी गई हैं। बिलकीस बानो केस में जो है हमारे पास में हमने देखा कि उन दोषियों को जो है तो रिहा होने पर उनको फूल माला पहना कर उनका सत्कार किया गया। इस किस्म की हरकत करने की वजह से जो है आज ये दोबारा से हरकत मणिपुर में हुई और अगर इसके ऊपर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो आगे भी इस किस्म के हरकत होते रहेंगी। मतलब लोग जो है तो औरतों को हथियार बनाकर, हाँ वहाँ पर गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट वहाँ पर भी है मणिपुर में, इसके बावजूद भी ये जो है जुल्म का सिलसिला थम नहीं रहा। तो हम यही चाहते हैं कि फौरन से फौरन इसके ऊपर कार्रवाई ले। हम एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा जो है स्पेस शिप गई है, चंद्रयान गया है चांद पर, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है तो इंसानियत तार तार हो रही है। तो हम हमारे प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि फेंकना चांद सितारों पर कमंदे भी बहुत, फेंकना चांद सितारों पर कमंदे भी बहुत, पहले इंसान को इंसान बनाना सीखो। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए GIO के सदस्य है, बहन है हमारी, उनसे बात करते हैं। बाजी, क्या निवेदन आपने दिया है और क्या लगता है आपको? 3 महीनों से मणिपुर से लग रहा है और वहाँ पर महिलाओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है, आपने परभनी में SIO की तरफ से निवेदन दिया है वुमेंस और गर्ल्स के लेटर हेड में, क्या कहें? मणिपुर वाक़े को लेकर आज 86 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। इस पर हुकूमत प्रशासन जो कि कुछ नहीं कर रही, इस पर हम हमारा ताज्जुब का इजहार करते हैं और इसी ज़िमन में हम आज यहाँ मेमोरेंडम पेश करने के लिए कलेक्टर ऑफिस में आए थे, जो कि हमने रिस्पेक्टेड
कलेक्टर सर को ये मेमोरेंडम पेश किया है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, जल्द अज इकदाम पेश किए जाए और ये मुतालबा करते हैं कि जो मुजरिम गुनहगार है उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए। हमारा मकसद यही है इस मेमोरेंडम को पेश करने का। ख़वातीन और GIO ये चाहती है कि जो मुजरिम गुनहगार है उन्होंने ये हरकत की है जो पूरे मुल्क को शर्मसार कर रही है, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उन्हें सज़ा दी जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, इमिजिएटली एक्शन लिया जाए। थैंक यू सो मच। 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और आज लगभग 3 महीने हो गए हैं और इस पर रोकथाम की कोई ऐसी जद्दोजहद, कोई कोशिश देश के पंत प्रधान और गृह मंत्री इनकी तरफ से होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो यहाँ पर आज देश भर में अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में SIO जमात इस्लामी हिंद की ब्रांचेस है और देश भर में ये काम करती हैं, जिसमें वुमेन्स विंग है, गर्ल्स विंग्स है। आज यहाँ पर जो निवेदन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति को परभनी के कलेक्ट्रेट के ज़रिए से कि फौरी तौर पर मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ बर्बर ताकि गई उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो नुकसान वहाँ पर हुआ है उनकी नुकसान भरपाई दी जाए, जिनमें मरने वालों को 50 लाख रुपए नुकसान भरपाई दी जाए और घायलों को 10 लाख रुपए नुकसान भरपाई की मांग बहुत सारे निवेदनों में की गई है। लेडीज़ विंग ने भी आज ये मांग यहाँ पर की है, फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और मणिपुर में शांतता कायम की जाए, ऐसी मांग देश भर से उठ रही है और जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग गर्ल्स विंग ने आज यहाँ पर निवेदन के जरिए ये मांग देश के महामहिम राष्ट्रपति से की है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरेश। 31 जुलाई 2023 और इस वक्त हम मौजूद हैं परभनी शहर के महात्मा फुले परिसर SBI बैंक के सामने और ज़िला परिषद की नई बिल्डिंग उसके सामने। ये जो लिमिटर परभनी महानगर पालिका और परभनी पुलिस ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाया गया था, इस लिमिटर को, ये जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसने इस लिमिटर को तोड़ दिया है और एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर रह गया। गनीमत यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और ये जो गाड़ी है वो इंदौर की बताई जा रही है। ड्राइवर है हमारे साथ, उनको पूछते हैं कि क्या उनको ये लिमिटर नज़र नहीं आया और ये लिमिटर उन्होंने तोड़ दिया, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। राकेश पटेल है, ड्राइवर है इंदौर के, उनसे बात करते हैं। पटेल, क्या ये लिमिटर आपको दिखाई नहीं दिया, कैसे दिखा था? मैंने बात करी थी पार्टी वाले को, उनका बोले सीधे लेकर गाड़ी अंदर आ जाओ। उन्हें पार्टी बोलेंगे तो क्या आप किसको? मैंने ध्यान में मोबाइल में चालू था, इसका गाड़ी चला पता नहीं, मोबाइल पे बात नहीं कर ना। वो तो सही बात है, गाड़ी चलाते खड़ी खड़ी वहाँ की जगह तो मैं चार रास्ता आकर यहाँ पे क्या करना है, चले जाती थी तो कैसा होता था? वो सही बात है ना आपकी, इतना बड़ा लिमिटर है ये यहाँ पे लगाया हुआ और ये चौक है, ये चौक चौक से उनसे बोला तो मैं क्या करूँ, बोले सीधे लेकर आ जाओ, बोले अंदर गाड़ी लेकर तुमने। किसकी गाड़ी है ये? गाड़ी सेठ की अपनी। सेठ कहाँ के है? इंदौर के। इंदौर के? ये गाड़ी इंदौर से आया? हाँ हाँ, परमानी परसों लेकर आया मैंने। अब ये जो हो गया है, ये आपने क्या नशा करे हुए थे क्या? नहीं, कुछ भी नशा खाली वो फोन पे खाली जगह भी दिखा हुआ दिखाता, मेरे को हाइट छोटी है, निकल जाएगा तो आड़ गया थोड़े वो ज़्यादा का, अपनी गाड़ी तो अच्छी थी, बाकी सही साठ लेकर आया मैं गाड़ी ने, कोई नशा वशा कोई भी नहीं गाड़ी ने, कोई नशा वशा कोई भी नहीं। हाँ स्पीड ब्रेकर नहीं था तो मैं रस्ते पे अगर स्पीड ब्रेकर रहता तो मैं गाड़ी खड़ी कर देता, रोक लेता नहीं, पर वो गाड़ी नहीं था उसका मारे में सीधे लेकर आगा गाड़ी में, बस ये बात है। तो भी नशा तो नहीं करे थे आप? एक बिल्कुल। 31 जुलाई 2023 और दोपहर के 1:30 बजे परभनी शहर के जिला परिषद बिल्डिंग नई बिल्डिंग के सामने महात्मा फुले पुतला परिसर, यहाँ पर परभनी महानगर पालिका प्रशासक तथा आयुक्त श्रीमती तृप्ति साणभोर, इन्होंने जो लिमिटर यहाँ पर बिठाया था उस लिमिटर को इंदौर की एक गाड़ी ने इसे तोड़ा है और पुलिस ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर इस पर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। ड्रंक एंड ड्राइव चेक किया गया है। हमारे साथ ट्रैफिक PSI मकसूद पठान है, उनसे बात करते हैं क्या कार्रवाई पठान साहब इन ड्राइवर पर होगी और जो ये नुकसान हुआ है इसमें तो गनीमत ये रहा कि किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर, अगर ये लिमिटर गिर जाता गाड़ियों पर या लोगों पर तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, कौन सी कार्रवाई की जाए? अभी तो हम देखे ड्राइवर को चेक किए, ड्राइवर ने थोड़ा सा दारू पिए हुआ ऐसा मशीन में बताया है और हमने इसके पहले भी यहाँ पर एक ऐसी कार्रवाई किए थे और यहाँ पर ऐसा ये लोगों की सुरक्षा के लिए एक्चुअली इसके पहले SP मैडम, कलेक्टर मैडम, आयुक्त मैडम इन्होंने मीटिंग लिए थे कि भाई ट्रैफिक के वास्ते क्या क्या अपन कर सकते, वो हिसाब से यहाँ पे पहले आक्षेप लिया गया, लोगों से आक्षेप मंगाया गया कि भाई यहाँ लिमिटर बिठा सकते क्या, तो परभनी के तमाम नागरिकों ने उसको सहमति दी कि यहाँ पे बिठा सकते, जगह जगह पे बोर्ड लगाए थे यहाँ पे बिठाना क्या, तो कोई आक्षेप नहीं दिया था कि चलो अच्छा काम है इसलिए यहाँ पे बिठाए, तो मगर ये लोगों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ये रॉन्ग साइड ले जा रहे हैं,
बहुत मरतबा कभी रॉन्ग साइड ले जा रहे, कभी लिमिटर के नीचे से गाड़ियाँ ले जा रहे और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ये गाड़ी इंदौर की थी। हाँ, ये इंदौर की गाड़ी है और ये ट्रांसपोर्ट पर जा रही थी। इसके पहले ट्रांसपोर्ट वालों से हमने आक्षेप मांगे तो भी यहाँ पे से रॉन्ग साइड जब कभी जाते हैं, कभी लिमिटर को तोड़ के जाते हैं और ये उचित नहीं है। नागरिकों के फायदे के लिए और उनके सुरक्षा के लिए ये करे हुआ है, क्योंकि जड़ वाहन ये साइड से जाना नहीं है। आगे स्कूल है, छोटे बच्चों के स्कूल है ये साइड पे। इस वास्ते यहाँ पे आयुक्त मैडम ने, कलेक्टर मैडम और एसपी मैडम के मीटिंग से यहाँ पे ये कार्रवाई की गई थी लिमिटर की, मगर इसका बार बार लोगों से उल्लंघन हुआ जा रहा है। इसके पहले भी पेपर में आ चुका है कि भाई ये लिमिटर के नीचे से लोग बहुत से आ रहे हैं, जड़ वाहन वो बचा के आ रहे हैं, कभी रॉन्ग साइड आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे इसके पहले भी पॉइंट था, अभी हम पॉइंट पे रहते हुए भी ऐसा हमारे सामने ऐसी दुर्घटना हो रही है। ये उचित है, उचित गैर ज़रूरी है। हमने ड्राइवर को भी बताया कि भाई दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अभी हमने उनके ड्रंक का ड्राइव की केस किए, उस पर उसके कागजों की ये करेंगे, उसको फाइन मिलेगा और उसको हम आगे उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रधान साहब, क्या अपील करेंगे परभनी शहर के नागरिकों से और जो बाहर से गाड़ियाँ शहर में आती है उनके लिए, जो नियम शहर में ट्रैफिक के है उसके लिए क्या अपील करेंगे? हम सभी वाहन चालकों से ये गुजारिश करेंगे कि ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए सिटी में जो लिमिटर बिठाए हुए हैं उसका उल्लंघन ना करें। जो आपको टाइम और मार्ग दिया हुआ है उसी मार्ग से चलें। और ख़ासतौर पे हम पिछले, हमारे एसपी मैडम ने इसके वास्ते बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि बहुत से ये जड़ वाहन जो आ रहे हैं इन पर कार्रवाई कीजिए। उसके साथ ही स्कूल बसेस, इस पर भी हम एक पिछले महीने से स्कूल बसेस के पेपर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आपके अपने स्कूल वैन में ज़्यादा बच्चे ना बिठाएं, जैसा कि उनकी कोंडी ना करें। और हम बच्चों से, उनके पालकों से, स्कूल के टीचरों से जाकर मिलें कि भाई आप इसको, हाँ, बच्चों की लिमिट रखिए और उनके जो पेपर्स है वो चेक कीजिए, उनके गाड़ियों के पेपर चेक कीजिए, उनके इंश्योरेंस है क्या देखिए, वो ड्रंक करके पीकर गाड़ी चलाती है क्या देखिए, उनसे वो उस बारे में समझाइए उनसे, और उनके पेपर आता आप क्लियर रखिए। और इसी लोगों को ये करिए, बीच में आपके व्हीकल ना रुकाएं स्कूल के। और ये इसी तरह से हम डेली बता रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब टू व्हीलर पे जाते हैं तो हेलमेट लगाएं, फोर व्हीलर पे जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। हम हमेशा उनसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। 31 जुलाई 2023 और परभनी शहर का ये सबसे व्यस्त रास्ता इसे कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला परिषद की नई इमारत है, महात्मा फुले पुतला परिसर है और इस साइड में आप देखें SBI बैंक है, स्टेडियम परिसर है और पूरी गवर्नमेंट के जो ऑफिस है इसी साइड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चौरस्ता है, यहाँ महात्मा फुले पुतला परिसर में, यहाँ पर ट्रैफिक का जो नियोजन है, जो स्पीड ब्रेकर यहाँ पर होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं होने की वजह से जो गाड़ियाँ बेतरतीब यहाँ पर आ जा रही है, रोज़ाना यहाँ पर टू व्हीलर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और महानगर पालिका का कोई भी ध्यान इस रास्ते की तरफ नहीं है। यहाँ पर इस चारों ही रास्ते के हर कॉर्नर पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, ताकि जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है उनकी स्पीड कंट्रोल में रह सके और यहाँ पर कोई हादसा ना हो सके। आज एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर रह गया। इंदौर की एक गाड़ी है जिसने यहाँ पर महानगर पालिका ने जो लिमिटर बिठाया था उसको तोड़कर अपने साथ में ले गई। वो तो गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान यहाँ पर नहीं गई है, लेकिन ये जो महानगर पालिका का जो रवैया है और जो उनका काम है कि सिर्फ स्पीड ब्रेकर यहाँ पर नहीं है, लिमिटर बिठा दिया गया है और गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में आती है तो इनको ऐसे में नज़र नहीं आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम परेश।